और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। हाथरस कांड में एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है, 132 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, कई अफसरों पर गाज गिरेगी। बता दें एसआईटी रिपोर्ट पर अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, 132 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, कई अफसरों पर गाज गिरने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जिन पर गाज गिर सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जो 300 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट तैयार की गई है, इस पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस एसआईटी रिपोर्ट में तकरीबन 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, इनमें एसएसपी और कई आला अधिकारी पुलिस के, जिनके बयान दर्ज करवाए गए हैं। हाथरस कांड से जुड़ी हुई ये एसआईटी रिपोर्ट, जो शासन ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, और इस पर चर्चा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। अवनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवनीश, सबसे पहले तो 300 पन्नों की सोसाइटी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या निकलकर तथ्य सामने आ रहे हैं, और दूसरा कई अफसरों पर गाज गिरने की बात कही जा रही है कि उनके लिए आगे मुश्किलात पैदा हो जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चर्चा करने वाले हैं, और क्या जानकारी और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, हाथरस को लेकर एसआईटी का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे वाले दिन ही एसआईटी को गठित कर उनको रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था, तो उसी को लेकर रिपोर्ट जो है एसआईटी ने शासन को सौंप दिया है। और बताया जा रहा है कि करीब 855 पेज की ये रिपोर्ट है, जिसमें 132 लोगों के बयान दर्ज है। इसी को लेकर एसआईटी ने तमाम जो तथ्य है उसको अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है, और आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। उससे आगे अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि कौन से लापरवाह अफसर है, कौन से देसी अफसर है, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी तरीके की कार्रवाई आगे की देखने को मिलेगी। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब देखेंगे तब इसमें जो हादसे के कारण है उसकी पर देखेंगे, पड़ताल करेंगे, अनदेखी और लापरवाही के लिए कौन जवाबदेह है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और तमाम जो अलग अलग तथ्य हैं उन तथ्यों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। उसके बाद जो कर्मचारी रिपोर्ट तैयार किए हैं उनकी क्या भूमिका रही है, किस तरीके से रही है, और तमाम लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं उन बयानों में क्या कुछ रहता है उसको वो परखेंगे और देखेंगे। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है पूरी उसको सुनिश्चित करेंगे। यानी माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में कई ऐसे राज है जो खुलेंगे, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई उसके पीछे लगातार ये कहा गया कि कोई साजिश भी हो सकती है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन। और किस लेवल के अफसरों, किस लेवल के अधिकारियों की मिलीभगत की बात कही जा रही है, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि उनके ऊपर अब मुसीबत के बादल मंडराते हुए उनके ऊपर गाज गिरने की बात जो कही जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो जो लोगों की संख्या थी उस संख्या के मुकाबले जो ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी चीज, जो अनुमति ली गई थी सत्संग की वो कितने लोगों की ली गई थी, सभी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। उसके बाद वहां पे जो लोग थे उन लोगों ने किस तरीके से बयान दिया है, वहाँ पुलिस के लोग, वहाँ जो सेवादार थे उन लोगों ने किस तरीके से विरोध किया, ये सारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है, जो पूरे बयान है उसको दर्ज किया गया, और एक एक बिंदु पर तफ्तीश करने के बाद एसआईटी ने यह रिपोर्ट जो है शासन को भेजी है। अब देखना होगा कि इसकी जद में कौन कौन से अफसर आते हैं, लेकिन ये माना जाए एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा के बाद एक्शन अब सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी की रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी तो उसमें तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन के अफसरों को निर्देश जारी करेंगे कि जो भी दोषी हैं, जो भी लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि रिपोर्ट देखने के बाद आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है, और माना भी जा रहा है कि कई ऐसे अफसर हैं जिनको जिम्मेदार माना जा सकता है, उनके ऊपर जो गाज गिर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश कुमार इस पूरी बातचीत के लिए जानकारी।